आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के 2023 के केमिस्ट्री के सेकंड क्वेश्चन पेपर में आने वाले गेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर 2023 के बाकी सभी सब्जेक्ट के गेस्ट क्वेश्चन पेपर की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। बीएससी बीएड से जुड़ी ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन ऐप को ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें टॉपिक है टक्कर आवर्ती, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, अपोहन व अति सूक्ष्म निषेधन, जेल व पायसी कारक, वॉन्टहोफ गुणांक, राउल्ट का नियम। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नियमन के बारे में बताइए। इसमें टॉपिक है लघु गुणक में इसके गुण तथा नियम, संगत अवस्थाओं का नियम, क्रमचे व क्रमचे के प्रमुख सिद्धांत, ही मिश्रण व द्विघटक निकाय, द्रव्य अवस्था व द्रवों के अभिलाक्षणिक गुण, वॉन्टहोफ का तनु विलयनों का सिद्धांत, सक्रियता तथा सक्रियता गुणांक। फिर तीसरा क्वेश्चन है, औसत वेग, प्रायिकता वेग तथा वर्ग माध्य मूल वेग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, शब्द के अक्षरों को एक साथ लेकर कितने शब्द बन सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अल्फा कणों व बीटा कणों के गुण लिखिए। छठा क्वेश्चन है, द्रव्य क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। सातवां क्वेश्चन है, कोलाइडी के स्थायित्व व थर्मोग्राफी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन है, प्रावस्था नियम की उत्पत्ति कीजिए व द्रवों के विलयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नौवां क्वेश्चन है, एक घटक निकाय क्या है। दसवां क्वेश्चन है, वॉन्टहोफ अभिक्रिया समतापी की उत्पत्ति कीजिए। तो ये थे सेक्शन ए में आने वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, फलन एक्स प्लस फोर ब्रैकेट में है 2x+5 का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, अर्ध आयु काल तथा औसत आयु काल से आप क्या समझते हैं, इनमें संबंध स्थापित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, गतिज गैस समीकरण द्वारा विभिन्न गैस नियम की किस प्रकार व्युत्पन्न किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, कोलाइडी अवस्था तथा कोलाइडी विलयन की व्याख्या कीजिए। कोलाइडी विलयन बनाने की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, औसत मुक्त पद से आप क्या समझते हैं, मैक्सवेल के आणविक वेग वितरण सिद्धांत को समझाइए। छठा क्वेश्चन है, किसी ठोस द्रव्य अथवा गैस की संरचना में आप क्या विभेद करेंगे। सातवां क्वेश्चन है, हिमांक अवनमन विधि द्वारा अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, रासायनिक साम्य पर ताप के प्रभाव के लिए वॉन्टहोफ समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। नौवां क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है व किसी विलयन की विभिन्न सांद्रता व्यक्त करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। दसवां क्वेश्चन है, नेंसर्ट के वितरण नियम को समझाइए। इस नियम की सीमाओं तथा महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए। तो ये थे सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, द्रव्य अवस्था से आप क्या समझते हैं, इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, इनके प्रमुख गुणों, उपयोगों तथा संरचना का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है व नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय विखंडन व सेलेन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, वांडरवाल समीकरण की सहायता से गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या कीजिए। वांडरवाल स्थिरांक ए तथा बी के मात्रक निर्धारित कीजिए तथा वांडरवाल समीकरण की सीमाएं बताइए। चौथा क्वेश्चन है, वसदाब में अवनमन तथा राउल्ट नियम से आप क्या समझते हैं, वसदाब अवनमन से राउल्ट नियम की उत्पत्ति कीजिए। विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने में यह किस प्रकार सहायक है। पांचवा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाय का प्रावस्था आरेख बनाइए तथा इसकी विवेचना कीजिए। तो ये थे सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चन। और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के सेकंड क्वेश्चन पेपर के गेस्ट क्वेश्चन पेपर, इस गेस्ट क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है।